बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो मैं अपने चैप्टर का नाम बता देती हूँ। हमारा चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, मतलब कुछ आकृतियाँ इन्होंने दी गई हैं। फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने दिए हैं। एक एक करके एक एक स्टेप जो है मैं बताती चलूँगी, आपको समझ में आएगा। तो चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, कुछ कुल 8 इन्होंने आकृतियाँ दी हैं। तो हमें वर्गीकरण करना है साधारण वक्र में। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारा साधारण वक्र क्या होता है। तो भाई साधारण वक्र वो होता है, जैसे कि हम कोई आकृति बनाया, हमारा पेन एक बार भी उठे ना, ठीक है, मतलब ये हमारी एक तो बंद आकृति भी बन गई, ठीक है, और ये हमारा एक हमने इसको बनाया तो एक बार भी पेन नहीं उठा, ठीक है। इसको हमने बनाया था, कैसे बनाया था, इस तरीके से बनाया था, एक बार भी पेन नहीं उठा, ठीक है। जब हमारा एक बार भी पेन नहीं उठता है तो वो हमारी कैसी आकृति हो जाती है, साधारण आकृति, साधारण वक्र हो जाता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, साधारण वक्र हो गया, कैसा हो गया, साधारण वक्र, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरा दिया है, दूसरा जो है हमने कैसे बनाया था, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, एक बार भी पेन नहीं उठाना, एक बार भी पेन नहीं उठा, तो मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया, साधारण वक्र हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने हमको एक ये दिया है, इसमें हमने ये बना लिया, अब बीच वाला गोला बनाने के लिए तो हमें पेन उठाना पड़ेगा ना, ठीक है, पेन उठाना पड़ेगा, तो मतलब ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। अब इसको तो हमने बिना पेन उठाए तो बना दिया, पर इसमें क्या हुआ, ये आकृतियाँ जो हैं, इसमें जो लाइनें हैं, हमारी रेखाएँ हैं, एक दूसरों को काट रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी आकृति के अंदर आकृति बनानी हो या जब रेखाएँ एक दूसरे को काट रही हों, तो वो हमारे क्या नहीं होते हैं, साधारण वक्र नहीं होते हैं। तो मतलब ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं हुआ, इसको भी हमने ऐसे रखा, बना दिया बिना पेन उठाए, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, साधारण वक्र हो गया। अब इसको भी हमने बिना पेन उठाए डायरेक्ट बना दिया, ये भी हमारा साधारण वक्र हो गया, ठीक है। अब ये भी हमने बिना पेन उठाए इसको ऐसे बना दिया, ये भी हमारा कैसा हो गया, साधारण वक्र हो गया। अब इसको क्या किया, ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर डंडा खींचा, ये हमको करना पड़ा ना, तो मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया, साधारण वक्र नहीं है ये, ठीक है। कौन कौन से साधारण वक्र हो गए, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। फिर हमारा अगला क्या है, इन्होंने दिया है साधारण बंद वक्र, तो ये भी हमारा साधारण वक्र तो है, ये बंद भी है, ये भी हमारा बंद है, और ये भी हमारा बंद है, ये भी हमारा बंद है, ये भी हमारा बंद है, ठीक है, वो तो साधारण वक्र है ही नहीं, तो बंद से मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर हमारा इन्होंने दिया है बहुभुज, तो बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुभुज वो होता है जब, एक तो बहुभुज की दो खासियत होती हैं, क्या खासियत होती है बहुभुज की, ये हमारी खासियत होती है कि एक तो वो रेखाओं से बनता है, ठीक है, दूसरी खासियत ये होती है कि वो बंद आकृति होती है, कहीं पर से खुला नहीं होता है, ठीक है। तो बहुभुज में हमारा कौन सा, ये हमारा भुजाओं से बना है, तो ये हमारा कैसा हो गया, बहुभुज हो गया, कैसा हो गया, बहुभुज हो गया, ठीक है। दूसरा भी हमारा बंद आकृति है, ठीक है, दूसरा भी हमारी कैसी आकृति है, बंद आकृति है, ये हमारी बंद आकृति है, भुजाओं से ही बना है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, बहुभुज हो गया, ठीक है, दूसरा वाला भी बहुभुज हो गया। अब इसमें कोई भुजा तो है नहीं, ठीक है, मुड़ी हुई रेखा है, तो मुड़ी हुई रेखा हमारे बहुभुज में नहीं आती है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब ये भी हमारी भुजाओं से मिलके बना है, रेखाओं से मिलके बना है, और ये भी हमारी बंद आकृति है, बंद आकृति है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, बहुभुज हो गया, ठीक है, ये भी हमारा बहुभुज हो गया। अब हम इधर चलते हैं, इसमें भी मुड़ी आकृति है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं है, इसमें भी मुड़ी आकृति, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है, इसमें भी मुड़ी आकृति है, रेखाएँ हैं
पर मुड़ी आकृति भी है, तो ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। इसमें भी गोले बने हुए हैं, तो मतलब ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। फिर अगला इन्होंने क्या कहा है, अगला इन्होंने कहा है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो आपको मैं बता दूँ, जैसे कि हमने कोई आकृति बनाई इस तरीके की ही मान लो, ठीक है, हमने इसके आमने सामने वाले जो कॉर्नर हैं, ठीक है, उनको मिलाया, जब हमने इनको मिलाया, ठीक है, इसको इसको मिलाया, ये हमारे क्या ये विकर्ण ही तो हैं। जब हम आमने सामने वाले कॉर्नर को मिलाते हैं, कोनों को मिलाते हैं, तो हमारे वो विकर्ण होते हैं। विकर्ण होते हैं तो मतलब ये हमारे जो विकर्ण होते हैं इस आकृति के अंदर ही बन रहे हैं। अब मैं दूसरा लेती हूँ, कुछ इस तरीके का लेती हूँ, तो हमने इसके इस कोने को मिलाया, तो ये जो हमारा विकर्ण बना है ये हमारी आकृति से बाहर बना है। जो आकृति से बाहर बनता है वो अवतल होता है, अवतल वक्र और अवतल बहुभुज, और जिसमें अंदर हमारा बनता है विकर्ण वो हमारा क्या होता है, वो हमारा उत्तल होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम विकर्ण इसके कोनों को मिलाएंगे तो बाहर बन रहा है, तो मतलब ये कैसा हो गया, अवतल हो गया, अवतल बहुभुज हो गया, ठीक है। अब इसके विकर्ण हम मिला के देखते हैं, ये तो अंदर मिल रहे हैं, अंदर हैं आकृति के, तो ये हमारा कैसा हो गया, उत्तल हो गया, उत्तल बहुभुज, ठीक है। और ये हमारा बहुभुज, बाकी तो हमारे बहुभुज थे नहीं, एक ये हमारा बहुभुज था, इसके हम कॉर्नर को मिलाते हैं, किसी भी कॉर्नर को मिलाएंगे वो आकृति से बाहर बन रहा है, आकृति से बाहर बन रहा है, तो मतलब ये हमारा कैसा हो गया, अवतल बहुभुज हो गया, ठीक है। क्या लिख देंगे, अवतल बहुभुज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पहला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।